कटिहार के बरारी प्रखंड के बकिया बिशनपुर स्थित गंगा नदी के छारन में गुरुवार को 2-3 मछुआरा एक मगरमच्छ के हमले से बाल बाल बच गए। इस बीच बचाव में मगरमच्छ उसके द्वारा मछली मारने के फेंके गए जाल में फंस गया। मछुआरों द्वारा जाल से किनारे लाने पर मगरमच्छ भी किनारे आ धमका, जिसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मगरमच्छ का वजन करीब 50 किलो का होगा। बरारी से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। अरे ले जा ले जा ले जा अरविंद मंडल, मनोज मंडल और मतलब मुस्लिम है हमारे गांव का। क्या नाम है, नाम बताइए। राहुल ऐसे है और जो आरिफ करके नाम है, सदा खुश है और 10-2 लड़के और नाम उतना नहीं जानकारी है। ये कहाँ से आया होगा? ये सर कहीं से भस के आया होगा, समुद्र का चीज है तो समुद्र से ही आएगा, इधर नदी में तो नहीं होता है। आपका नाम? पंकज मंडल। पंकज जी, आप लोग मछली कहाँ मार रहे थे और कैसे ही निकला? नदी में मार रहे थे सर। कहाँ पर, कौन जगह पर? यही पासे में मार रहे थे। जगह का, गांव का क्या नाम है? बकिया बिशनपुर, रानीचक बकिया। तो क्या हुआ उसको? हम लोग फिर जाल से दबोड़े उसको। कैसे आप मतलब जाने की? यहाँ पे हम लोग को पहले आश्वासन हो गया था कि यहाँ पे बड़ा चीज फंस गया है, इसमें जाल नहीं आ रहा था, इसके वजह से हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, क्या चीज है ये? मगरमच्छ है। तो आप लोग अपना जान कैसे बचाए? हम लोग जान सर उस जैसे आया ना बगल में, तो हम लोग उससे अपना थोड़ा परहेज हो गया, उससे हट गया, थोड़ा जाल छोड़ दिया उसके, फिर उसको लिपटाया जाल में। तो उसको बांधे कैसे? बांधे फिर उसको डंडा से मतलब बांस कर लगी की वजह से उसको पकड़ कर रस्सी लेके दाबे। आपका नाम? पंकज कुमार मंडल। कौन कौन लोग थे इसमें? जी हाँ, लगभग 10-12 लोग बच गए मछली मारने के दौरान। आप क्या मानते हैं? ये जब सर बाढ़ में आया होगा, फंस गया है। तो बाढ़ का पानी कहाँ से आता है? गंगा का ही? गंगा का है सर। तो ये मतलब गंगा का छारन है? जी छारन है। अच्छा, तो क्या आप मान रहे हैं ये तो बड़ा मतलब दुर्घटना होते होते बच गया? सब ऊपर वाले के हाथ में है सर। इसकी जानकारी किसको किसको दी? हम लोग सबको बताते हैं गांव वाले को कि देखिए इसको सुरक्षित रखिएगा और वन विभाग लाएगा उसको लेके चला जाएगा, और आपके बारे में बताए कि मीडिया वाले आएंगे वो छाप के बता देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है मनोज कुमार यादव, पूर्व मुखिया बिशनपुर।